एक और आम खबर दें आपको, पंजाब असेंबली की भर्तियों का मुकदमा, परवेज इलाही ने जमानत वापस लेने के फैसले को अदालत में चैलेंज कर दिया है। परवेज इलाही और राय मुमताज़ ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। एंटी करप्शन अदालत ने हकायक के बरक्स जमानत का हुक्म वापस ले लिया। ये मौकिफ अपनाया गया है, एंटी करप्शन अदालत का जमानत का हुक्म वापस लेना गैर कानूनी है, ये भी मौकिफ अपनाया गया है। पंजाब असेंबली की भर्तियों का मुकदमा, परवेज इलाही ने जमानत वापस लेने के लिए फैसले, इलाही और राय मुमताज़ ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। एंटी करप्शन अदालत ने हकायक के बरक्स जमानत का हुक्म वापस लिया है। दरख्वास्त में ये मौकिफ अपनाया गया है कि एंटी करप्शन अदालत का जमानत का हुक्म वापस लेना गैर कानूनी है। तफसीलात जान लेते हैं बोलियों के नुमाइंदे अब्दुलरहमान से। अब्दुलरहमान बताइए क्या तफसीलात हैं। जी बिल्कुल, परवेज इलाही ने पंजाब असेंबली भर्तियों के मुकदमे में जमानत वापस लेने के फैसले को लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया है। साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही और शरीक मुल्ज़िम राय मुमताज़ ने लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर की है, जिसमें ये मौकफ तैयार किया है कि परवेज इलाही के मुकदमा में एंटी करप्शन अदालत ने जो दरख्वास्त जमानत मंजूर की, जबकि 11 अक्टूबर को एंटी करप्शन अदालत ने अपने हुक्म जमानत के हुक्म को वापस ले लिया। एंटी करप्शन अदालत का जमानत का हुक्म वापस लेना गैर कानूनी है। अदालत से इतला की गई है कि अदालत जो है एंटी करप्शन अदालत का 11 अक्टूबर का फैसला खत्म करा देते हुए फैसला जो है मुअत्तल कर दी। बहुत शुक्रिया अब्दुलरहमान इन तफसीलात के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।